तो आज हम बनाएंगे सोया भुर्जी और ग्रीन चटनी राइस। ये बहुत ही हेल्दी रेसिपी है। आप इसे बच्चों के टिफिन के लिए या फिर लंच डिनर आप इसे जब भी चाहे इसे बना सकते हैं। ये बहुत ही इजी रेसिपी है और हम साथ में बनाएंगे गाजर का रायता। तो चलिए इस रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पे मैंने सबसे पहले 1 कप यहाँ पे मैंने सोयाबीन ले लिया है और अब हम इसे ठंडे पानी में 10 से 15 मिनट के लिए इसे भिगो लेंगे। और जब तक ये भीगता है हम यहाँ पे ग्रीन चटनी तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने ग्राइंडर जार ले लिया और यहाँ पे मैंने 1 मुट्ठी पुदीना ले लिया है और 1 मुट्ठी यहाँ पे मैंने हरा धनिया ले लिया है और 2 हरी मिर्च, आप इसे अपने अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और यहाँ पे मैंने 5 से 6 लहसुन ले लिया है और 1 इंच अदरक का टुकड़ा। और यहाँ पे मैंने 1/4 कप नारियल ले लिया जिसे कट कर लिया है। और यहाँ पे मैंने 1/2 लेमन का जूस ले लिया है और हम इसमें 1/4 कप पानी डाल के इसे ग्राइंड कर लेंगे। तो मैंने इसे ग्राइंड कर लिया और हमारा ग्रीन चटनी जो है बिल्कुल तैयार है। और यहाँ पे सोयाबीन भी अच्छे से फूल चुका है तो अब हम इसे अच्छे से निचोड़ लेंगे और इसे ग्राइंड कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने इसे ग्राइंडर जार में ले लिया और इसे दरदरा ग्राइंड कर लिया है। और अब मैंने यहाँ पे पैन पे 1 बड़ा चम्मच ऑयल ले लिया है और अब हम इसमें 1 टेबल स्पून जीरा डाल देंगे। और यहाँ पे मैंने 1 तेज़पत्ता ले लिया है और 1 बड़ा प्याज जिसे बारीक कट कर लिया है। और अब हम इसे एकदम अच्छा गोल्डन कलर आने तक हम इसे फ्राई कर लेंगे। और अब आप देख सकते हैं ये बहुत ही अच्छे से फ्राई हो चुका है, इसका कलर भी बहुत बढ़िया आ चुका है। और अब हम इसमें 1 बारीक कटा हुआ टमाटर डाल देंगे और इसे भी सॉफ्ट होने तक हम इसे पका लेंगे। और अब टमाटर भी सॉफ्ट हो चुका है तो हम इसमें ग्राइंड किए हुए सोया भुर्जी को भी हम इसमें डाल देंगे। और यहाँ पे मैंने कुछ मसाले ले लिए हैं जैसे 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर, 1/2 टेबल स्पून जीरा पाउडर, 2/3 टेबल स्पून हल्दी पाउडर, 1/2 टेबल स्पून लाल मिर्च पाउडर और 1 टेबल स्पून नमक। और अब हम इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसे 2 मिनट के लिए फ्राई होने देंगे। और अब 2 मिनट हो चुके हैं, यहाँ पे हमारा जो सोया भुर्जी वो भी अच्छे से फ्राई हो चुका है तो हम इसमें जो ग्राइंड करके हमने ग्रीन चटनी रखा हुआ है हम उसे भी इसमें डाल देंगे। और यहाँ पे मैंने 2 टेबल स्पून दही ले लिया है, हम इसे इसमें डाल देंगे और उसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसे भी 1 मिनट के लिए हम फ्राई कर लेंगे। और अब 1 मिनट हो चुके हैं, ये अच्छे से मिक्स हो चुका है तो यहाँ पे मैंने 1/2 ग्लास राइस ले लिया जिसे 1/2 आवर के लिए मैंने वॉश करके भिगो के रख लिया था, हम इसे डाल देंगे। और यहाँ पे मैंने 1 ग्लास पानी ले लिया है और अब हम इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसमें बॉयल आने देंगे। और अब ये उबलने लग गया है तो हम इसमें 1/2 टेबल स्पून गरम मसाला डाल देंगे और इसे एक बार और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। उसके बाद हम इसे लो फ्लेम पे 15 मिनट्स के लिए ढक के पकने देंगे। और जब तक हमारा राइस पकता है तब तक हम गाजर का रायता तैयार कर लेते हैं। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे एक बोल ले लिया है और यहाँ पे मैंने 1 कटोरी दही ले लिया जिसे अच्छे से फेंट लिया, अच्छे से मिक्स कर लिया इसे। और यहाँ पे मैंने कुछ मसाले ले लिया जैसे 1/4 टेबल स्पून काला नमक, 1/4 टेबल स्पून आमचूर पाउडर, 1/4 टेबल स्पून जीरा पाउडर और 1 हरी मिर्च। और यहाँ पे मैंने 1/4 कप ग्रेटेड कैरेट ले लिया और अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और अब ये अच्छे से मिक्स हो चुका है और हम इसमें तड़का लगाएंगे। तो यहाँ पे मैंने तड़का पैन पे 1 टेबल स्पून ऑयल ले लिया है और 1/2 टेबल स्पून सरसों और यहाँ पे मैंने 1/2 टेबल स्पून यहाँ पे उड़द दाल ले लिया है और 1 लाल मिर्च जिसे मैंने बीच से तोड़ लिया है और यहाँ पे मैंने 1 स्प्रिंग करी लीव्स ले लिया है। और अब हमारा तड़का बिल्कुल तैयार है, हम इसे रायते में डालेंगे और इसे एक बार और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और अब तड़का भी अच्छे से मिक्स हो चुका है और मैंने इसे एक बोल में ले लिया है और अब हम इसे अनार से गार्निश कर लेंगे। और यहाँ पे मैंने थोड़ा सा हरा धनिया ले लिया है, हम इसे भी इसमें डाल देंगे। और अब हमारा गाजर का रायता बिल्कुल तैयार है। और अब यहाँ पे 1/2 आवर भी हो चुके हैं, यहाँ पे मैंने 15 मिनट्स के बाद गैस का फ्लेम ऑफ कर दिया था और इसे 15 मिनट्स के लिए रेस्ट के लिए रख दिया था। और अब हम इसे एक बार इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और अब ये अच्छे से मिक्स हो चुका है और हमारा सोया भुर्जी ग्रीन चटनी राइस बिल्कुल तैयार है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और रेसिपी के साथ।